आयकर विभाग की टीम सोमवार को ढोल नगाड़े लेकर शराब कारोबारी और बैंक डिफॉल्टर सुभाष शर्मा की संपत्ति कुर्क करने के लिए लभांडी पहुंच गई। आयकर विभाग ने प्रदेश में इस साल की पहली संपत्ति कुर्क की है। ढोल वालों के साथ पहुंची टीम ने सबसे पहले लभांडी के चौराहे पर ढोल बजवाए। इसके बाद मौके पर पहुंचकर लोगों की मौजूदगी में 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान आयकर विभाग के वसूली कर अधिकारी पवन सिंह ठाकुर के साथ करीब आधा दर्जन अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर वसूली कर अधिकारी ने कुर्की पत्र पढ़कर जनता को सुनाया। ठाकुर ने बताया कि शर्मा ने आयकर विभाग का टैक्स नहीं पटाया है, जो करीब 10 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने टैक्स नहीं भरा। इस वजह से आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये कार्यवाही की जा रही है। आयकर की बकाया मांग रुपया 10,60,26,830 तथा आयकर अधिनियम 1961 के धारा 222 के अधीन ब्याज एवं अन्य खर्चे की राशि भी अलग से है। पिछले जो फाइनेंशियल ईयर पे हमने एक प्रॉपर्टी को 19 फरवरी को अटैच किया था, और लेकिन हाँ, इस साल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पहली घट, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये पहला अटैचमेंट है, ये कह सकते हैं। ना अभी तो हमारी जानकारी में आई है, हमारा पूरा पैसा अगर इससे निकल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज भविष्य में और भी कोई प्रॉपर्टी उसकी हमारी जानकारी में आती है, वो छिपता नहीं है। अब तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो तो पता कर लेते हैं, तो होगी। तो अगर टैक्स बचा है तो कार्रवाई होगी।